नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। आज जानेंगे दिन भर की बड़ी खबरें जिस पर आपकी रहेगी नजर, और साथ ही क्या वो बड़ी खबरें हैं इस पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम खबरों का विस्तार जानेंगे। तो चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से, जहां पर आज गोवा के लिए रवाना होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज दोपहर 1:30 बजे सीएम गोवा के लिए रवाना होंगे, जहां पर जनता को संबोधित किया जाएगा और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशी नारायण नायक के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम और शाम 9 बजे फिर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर को 1:30 बजे गोवा के लिए रवाना होंगे, जहां पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम माहौल बनाएंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद शाम 9 बजे भोपाल के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। तो आज का सीएम का कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जो कि गोवा में आज होगा। गोवा में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे सीएम और साथ ही जनसभा भी की जाएगी। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी भी सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी नारायण नायक के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। शाम 9 बजे भोपाल के लिए होंगे रवाना। तो 1:30 बजे सीएम गोवा के लिए पहुंच जाएंगे और इसके बाद 9 बजे भोपाल रवाना होंगे। इस बीच गोवा में वो जनसभा करेंगे और साथ ही पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी नारायण नायक भी सीएम के साथ मौजूद होंगे। और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इसी बीच इस वक्त की ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर राम वन गमन पथ पुस्तक का विमोचन होगा। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पुस्तक का विमोचन करेंगे और दोपहर 1 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण भी किया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर राम वन गमन पथ पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक का विमोचन सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे और इसी के साथ आज सीएम पौधारोपण भी करेंगे। तो राम वन गमन पथ पुस्तक का आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में विमोचन करेंगे। पुस्तक के विमोचन के बाद ही 1 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया जाएगा। भोपाल से ये बड़ी और अहम जानकारी।